नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बांग्लादेश में भले ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बन गई हो, लेकिन अभी भी वहां के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। एक बार फिर बड़े विद्रोह की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बार शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग के समर्थक ये विद्रोह कर सकते हैं, जो इसी महीने हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर भारत में कई राजनीतिक दल इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। वहीं इसी बीच चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी नेता और कैसरगंज सीट से सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह ने चिंता जताई है और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला भी बोला है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश का राहुल गांधी से क्या कनेक्शन, तो चलिए आपको बताते हैं अपनी इस पूरी रिपोर्ट में। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे भारत देश की चिंता काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बॉर्डरों पर सेना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बांग्लादेश के हालातों को लेकर भारतीय राजनीति में खासा चर्चा है। हर दल इस घटना की निंदा कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल अभी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने बांग्लादेश को लेकर चिंता जता दी है और उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में बड़ी दुखद स्थिति है। भारत के अगल बगल ये सब हो रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ, जो हो रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए शब्द कम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो कि दुखद है। देश के बड़े नेता इस पर नहीं बोल रहे। यहां तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। यह देश की जिम्मेदारी जितनी मोदी बीजेपी की है, उतनी ही विपक्ष की भी है। देश सुरक्षित रहेगा तो राहुल गांधी भी सुरक्षित रहेंगे। जाहिर है सदन में और हर जगह संविधान का मुद्दा उठाने वाले और संविधान को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर पूरी तरीके से मौन है। वो ही क्यों नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक शब्द बोलता नहीं नजर आ रहा। तो क्या हम ये समझे कि विपक्ष हिंदू विरोधी हो गया है? अगर नहीं तो क्यों वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप है? ये वो सवाल है जिसके जवाब विपक्ष को देने की अब जरूरत है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।